हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी जी टी न्यू के नए अपडेट के बारे में। आपको पता होगा यहाँ पर रियलमी जी टी न्यू 2 में अभी जल्दी में है, कुछ लोगों को रोल आउट हो चुका है, कुछ लोगों को अभी नहीं हुआ है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। एक्चुअली दोस्तों सभी लोगों को यही लगा था कि अब इसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं आएगा, लेकिन एक और अपडेट नहीं आते आते एक और अपडेट आ चुका है। आप देख सकते हैं सेटिंग्स में आ चुका हूँ मैं। सेटिंग्स में अबाउट डिवाइस में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे रियलमी UI 4.0 का ऑफिशियल वर्जन दिख रहा है। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, क्या दिखेगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है EX01 और यहाँ पर 13.1 लिखा हुआ है। तो ColorOS 13.1 का ऑफिशियल वर्जन यहाँ पर रिलीज हो चुका है। अब इसका चेंज लॉग देख लेंगे तो अबाउट दिस वर्जन में जाएंगे। यहाँ पर जो चेंज लॉग दिखाया जा रहा है वो जुलाई का सिक्योरिटी पैच दिखाया जा रहा है। सिस्टम परफॉर्मेंस और सिस्टम स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है, लेकिन ये दोस्तों अपडेट जो था वो 5.83 GB का था, लगभग 6 GB का अपडेट था। तो इसमें क्या है, जो चेंज लॉग दिया हुआ है वो चेंज लॉग में ओरिजिनल चीज़ें लिखी नहीं है कि क्या क्या नया होने वाला है। जो दूसरा रियलमी GT 2 डिवाइस है ना, उसमें बहुत सारा लंबा सा चेंज लॉग है जिसमें हमको सारी चीज़ें बताई गई क्या क्या चीज़ें इसमें चेंजेस हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस तो नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर बदलाव करा गया है। तो इसमें क्या है, अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोन था वो सिक्योरिटी पैच तो मिल रहे थे जून का मिला, और यहाँ पर इससे पहले अप्रैल मई का मिला। तो अभी क्या है, 5.83 GB का बहुत बड़ा अपडेट इसमें मिला है। इसको मैंने अपडेट कर लिया है, ठीक है, आज ही मैंने इसको अपडेट किया है। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या नया मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ कुछ चीज़ें तो चेंज हो गई हैं, जैसे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ColorOS 13.1 में जो आइकन है ना, ये थोड़े अलग तरह के दिखने लगे हैं। बाकी जो बड़े बड़े चेंजेस हैं वो सारे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, मतलब 3-4 दिन पहले इसको इस्तेमाल करूंगा अच्छे से। आज मैंने क्या है, अपडेट करने के बाद करीब 1 से 1.5 घंटा BGMI भी खेला था, आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको सेटिंग्स में जाकर बैटरी में जाकर दिखाऊंगा। तो बैटरी यहाँ पर देखिए, जो रेड कलर का ड्रॉप आया ना, इसमें ड्रेनिंग तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है हमारे डिवाइस में, हीट भी थोड़ा ज़्यादा कर रहा है। लेकिन आज जब मैंने इसको प्ले करा था BGMI को, ये देखिए यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर जाने के बाद आपको देखेगा कि व्हाट्सएप, बैटल ग्राउंड्स, मोबाइल इंडिया, इंस्टाप्रो, ये सब चीज़ें यहाँ पर ऑप्टिमाइज करने के लिए आ रहा है, ऑप्टिमाइज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसमें बैटरी ड्रॉप तो काफ़ी देखने को मिल रहा है, बाकी जो चीज़ें आप देख सकते हैं ना, इसमें क्या है, डिजिटल वेलबींग में जब आपको दिखाऊंगा, तो आज का मेरा ये यूसेज है, तो आज सुबह ही मैंने इसको अपडेट कर लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं वो सारी क्या है, बैटल ग्राउंड्स, मोबाइल इंडिया मैंने 1.5 घंटे करीब देखे खेला था। तो इसमें क्या है, बैटरी ड्रॉप तो काफ़ी तेज़ी से हुआ था, लेकिन जो है फ़ोन हीट नहीं कर रहा था जिस तरह से पहले। अभी गर्मी का टाइम है तो पहले जो है काफ़ी ज़्यादा हीट करने लगता था, लेकिन अभी हीट कम कर रहा है, और साथ ही साथ इसमें जो है बैटरी ड्रॉप तो हो रहा है पर हीट बहुत कम कर रहा था। तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट है रियलमी जी टी न्यू 2 डिवाइस में। तो दोस्तों बाकी ये ColorOS 13.1 का यहाँ पर अपडेट है EX01 नाम से जो आया है आपके फ़ोन में, आपको भी मिल जाएगा 1-2 दिनों में। बाकी आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ें अगर आपको, जिसके वैसे तो मैं इसका डिटेल रिव्यू बनाऊँगा ही बनाऊँगा, जिसमें मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगा, क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या यहाँ पर अच्छा देखने को मिला है, क्या क्या खराब मिला है, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी आई हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ कुछ खराब भी हुआ है तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो मैंने इसको 3-4 दिन अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। बाकी अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि इसमें मैं किस चीज़ को कवर करूँ, किस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, BGMI 90 FPS होता है कि नहीं है ये जानना चाहते हैं, या फिर दूसरी कोई चीज़ें जानना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करूँगा, लेकिन 3-4 दिन पहले अच्छे से इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि अपडेट होने के बाद जो एप्लीकेशंस होते हैं वो ऑप्टिमाइज होते हैं, तो ऑप्टिमाइज होने के लिए 3-4 दिन का टाइम लगता है अच्छे से। तो उसमें मुझे क्या है, इसका असली रिजल्ट पता चलेगा कि इसमें किस तरह के चेंजेस आएंगे और किस तरह के नहीं आएंगे। तो इस वीडियो को आप तब तक देखिए, ये अपडेट है आपके लिए कि यहाँ पर जो है आ चुका है हमारा रियलमी GT Neo 2 में यहाँ पर अपडेट आ चुका है। बाकी दोस्तों इसके डिटेल रिव्यू जब मैं करूँगा तब उस वीडियो में मिलते हैं, 3-4 दिनों में मैं अच्छे से। तब तक आप अपने कमेंट सेक्शन में सारे सवाल डाल दीजिए, जो भी आपको जरूरी है जानना, मैं सारे सवाल पिक करूँगा और सारी आंसर्स आपको दूंगा वीडियो बनाकर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमें जो है जल्दी से जल्दी 1500 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। बाकी आप सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।